देर करते हैं, जैसे कि केक होगा बटर स्कॉच फ्लेवर में, वेडिंग एनिवर्सरी केक है, पता नहीं फर्स्ट या सेकेंड, तो नाम देखने से पता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसको फिल करते हैं इस केक को। तो अभी मैंने क्रीम से बना के रखा है, तो इसी के साथ उसको फिल करते हैं। जैसा कि बटर स्कॉच फ्लेवर में है, तो हम सबसे पहले जाते हैं बटर स्कॉच क्रश मलास कंपनी का है, हम देख सकते हैं यहाँ क्रश यही कंपनी इसको पाऊँ मलास कंपनी का ही। तो सबसे पहले हम इसको क्रश करते हैं बटर स्कॉच, इसके बाद हम डालते हैं इसमें पीनट से। जैसा कि मैंने पीनट्स बना के क्रश करके रखा है, जैसा कि इस क्रश पीनट्स का दाम है जैसे कि 30 रुपीज़ का पीनट्स का पैकेट आता है, उसको मैंने इसे क्रश किया है। तो उसी के बाद हम इसमें डालते हैं और उसका तो हम उसको सेट करते हैं। सबसे पहले तो हमको लो शेप करना है, तो हम इसी के साथ हम उसको स्टैंड पर रखते हैं, स्टैंड पर के कट करते हैं उस केक को। रोपन सबसे पहले हम उसको हल्का सा क्रीम लगाते हैं, जैसे कि थोड़ा सिग्नल करने के लिए, क्योंकि हमको सेंटर एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं तो आसानी हो जाती है। तो सही तरीके से इसको ऐसे एक लाइन बनाते हैं यहाँ से और एक लाइन यहाँ से बनाते हैं, तो दो लाइन हो गया। तो हम उसको कटिंग करते हैं, ऐसे लाइन करने से हमको कटिंग करने का अंदाज़ मिल जाता है। इसी तरह सेट को भी इसी तरह कटिंग करते हैं, सेट में क्रीम लगाते हैं हल्का सा, उसके बाद इस केक को टाके यहाँ पर रखते हैं, इसको भी इसे हम लोग हल्का सा कटिंग करते हैं यहाँ से। फ्रेंड इसी के साथ हम आप क्रीम मिक्स करते हैं, व्हिपिंग क्रीम जैसा कि लिक्विड मिक्स करते हैं, टमाटर सा दिखते हैं कलर में डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स करते हैं, जैसा कि हम जब केक पे स्प्रे मारते हैं तो अच्छा अगर दिख जाता है, तो हम जैसे कि लिक्विड में मिक्स करते हैं, क्रीम में मिक्स करते हैं, तो उतना अगर दिख नहीं दिखता है। उससे हम उसको क्रीम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो उसी के साथ हम उसको फिनिशिंग करते हैं सबसे पहले। हल्का सा क्रीम, चलो फ्रेंड अब इसमें मारते हैं गन मारते हैं, जैसा कि टमाटो कट कर, जैसा कि मैं क्रीम में लिक्विड मिक्स किया उतना परफेक्टली मुझे कट नहीं दिखा, क्योंकि कस्टमर को मैंने सेंड किया था फोटो, तो उनको जैसा कि मैंने पहले जो स्प्रे किया था उसी तरह वो चाहिए, तो इसलिए मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ कट, तो अच्छा सा दिख रहा है। तो आप क्रीम में मिक्स करते हैं तो परफेक्टली उतना कट नहीं दिखता है, क्योंकि क्रीम में जब हम डालते हैं थोड़ा ही डालते हैं, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो अच्छा कट दिख जाता है और शाइनिंग भी अच्छा दिख जाता है।
केसर वाइट अच्छा लगता है। अपने प्लास्टिक फ्लावर से अच्छा दिख जाएगा।